अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल, साबित मूंग की दाल। मूंग की दाल कैसे बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चले तो हम बनाते हैं मूंग की दाल। ये दाल हमने उबाल ली थी, इसको अच्छी तरह से फुल उबाल लिया हमने। अब हम प्याज काटेंगे। प्याज हमने काट लिए, अब हम इसमें घी डालेंगे। ये घी हमने इसमें डाल दिया है, अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक कूट लेंगे। जी तो अब ये हमारा लहसुन अदरक कूट लिया हमने, अब हम टमाटर काट लेते हैं। ये टमाटर हमने काट लिए हैं, अब प्याज हमारे ब्राउन हो गए, इसमें हम ये लहसुन अदरक डाल देंगे। लहसुन अदरक जैसे ही थोड़ा सा इसमें भून जाएगा, फिर हम ये टमाटर डाल देंगे इसमें, और हरी मिर्चें हैं इनको भी काट लेते हैं हम। ये मिर्चें भी हमारी काट गई हैं, अब इसमें ये हम डाल देंगे। अब इसमें थोड़ी देर पकने देंगे, टमाटर को अच्छी तरह गल जाएंगे टमाटर। जी तो ये अब मसाला हमारा तैयार हो गया है, इसमें हम अब ये नमक मिर्चें ऐड करेंगे। इसमें हमने तकरीबन 1.5 चम्मच मिर्चों का डाल दिया है। ये 1/2 चम्मच इसमें हल्दी का डाल देते हैं। ये 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। जी
जी तो ये मसाला हमारा अब रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं इसको, ये बिल्कुल हमारा मिर्चें भून गई हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम दाल ऐड करेंगे, ये हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अब थोड़ी देर हम इसमें पकाएंगे इसको, दाल को, तो मज़े की दाल हमारी रेडी। ये तो ये दाल हमारी अब होगी है बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।